रहता है। ये रात को आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, स्टार प्लैनेट्स, उनका नाम, डिग्री और पोजीशन बताई गई। तो ये राशियां कैसे बता पाएगा मैं इसके लिए? ये सेंटर में देखो, ये मेटल का गाइस, हमको तो अंकल ने भगा दिया। गुड मॉर्निंग टू फैमिली, वेलकम टू माइंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे। तो बढ़िया, सोकर उठकर आ गए थे और अब जा रहे हैं दूसरे वाले मकान पे। और भाई साहब, आज मेरे यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। देखो, दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है कुछ? भाई साहब, दाने दाने हो गए। ये देखो, पता नहीं क्या, पूरे शरीर पे दाने दाने हो गए, छोटे छोटे, बस मुँह को छोड़ के और सभी पे दाने हो रखे भाई साहब, सभी पे। ये पता नहीं क्या हुआ। ये देखो, अगर पेट पे दिखाना चाहूँ तो ये देखो लाल लाल, अगर आप देख रहे हो, ये लाल लाल दिख रहा है भाई साहब, ये पूरे शरीर में हो गया। पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो मेरे कुछ एलर्जी वेलर्जी भी नहीं हो रही, पता नहीं फर्स्ट टाइम में हुआ है। तो दवाई लेके आने पड़ेगी भाई, इसकी दवाई लेने पड़ेगी यार। पता नहीं कैसे हो गए रे यार, ये कुछ हुआ भी नहीं या कुछ है भी नहीं, मेरे को तो बीमारी बीमारी भी नहीं है कुछ, फिर भी ये हो गए। तो ये चीज़ दिखाने पड़ेगी भाई। चलो अभी तो पहले जा रहा हूँ दूसरे मकान पर, वहाँ पे चाबी वाबी देता हूँ और फिर जाऊँगा भी डॉक्टर के पास, से दिखाऊँगा जाके और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, बढ़िया दवाई लेकर आ गया, दवाई लेकर आ गया। ये रही, ऐसे बोल रहे हैं कि तूने चींटी खा ली, बोल रहे हैं तूने चींटी खा ली, तो इस वजह से हो गया तेरे। मैंने चींटी खा ली जानबूझ के, अनजाने में चल गई, बोल रहे अनजान में खा ली होगी तूने, चींटी खा ली इसीलिए हुआ है। बोल रहा हो जाएगा ठीक, आज एक दो खुराक में हो जाएगा ठीक। तो भाई एक खुराक तो खा ली है और दूसरी खुराक भी खाएंगे खाना खाने के बाद दोपहर में, और फिर देखते हैं ठीक होते हैं नहीं होते, और फिर मिलते हैं। भाई साहब, ये चिड़े देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, पेड़ों में रहती है और इसकी चोंच इतनी बड़ी रहती है ना, ये चोंच से ही पेड़ में छेद कर करके अपना घर बना लेती है। और भाई चोंच से ही मात्र, और देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, ये देखो आप कितनी प्यारी लग रही है, देखो इसकी चोंच कितनी बड़ी दिख रही है भाई साहब, गजब ही यार। तो गाइस, बढ़िया दवाई वाई लेकर आ गए थे और मैंने सोचा आज कहीं घूमने जाने वाले हैं, कृष्णा भी छुट्टी पे और अपन तो काम करेंगे ही, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, दो बंडल रह गए थे बोरिंग पे, तो मैंने कहा दो बंडल ले आता हूँ, सचिन भैया ने बोला था कल मेरे को, तो मैंने याद आके ले आता हूँ, वरना फिर बाद में फ़ोन करते क्या फ़ायदा। तो पहले चलते वो दो बंडल लेने और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, बढ़िया घर पर आ गए और अब खाते खाना, रोटी छाछ के आलू और लौकी का रायता, सॉरी, और ये खिचड़ी खाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। गाइस, बढ़िया घर से आ गए और अब जा रहा हूँ कृष्णा, नहा धो के एकदम रेडी होता हूँ, फिर जाऊँगा कृष्णा के साथ घूमने। आज हम लोग जा रहे हैं साइंस पार्क, तो साइंस पार्क में फटाफट से चल के मिलते हैं। गाइस, घर से निकल गए, कृष्णा बेचारा खड़ा है काफ़ी देर से, सरकारी स्कूल बोल रहे वाला सरकारी स्कूल के पास आ गया, बोल रहा है भाई सरकारी स्कूल के पास ही खड़ा हूँ, तो बता कहाँ पे खड़ा है। अब निकला हूँ मैं, थोड़ा लेट हो गया यार काम वाम के चक्कर में। जब भी अब जाएंगे आज हम साइंस पार्क, तो फटाफट से चलते हैं। तो भाई कृष्णा भी मिल चुका है, दो घंटे इंतजार करवाने के बाद वो भाई, दो घंटे यार मेरे को क्या, ये बोला चल ठीक है रेडी हो रहा हूँ फिर आता हूँ, उधर हमारा कमल जा रहा है ट्री पे, आए कर दिया कमल, आए कर, आए कर दिया भाई साहब। अंकल टूटी बोलिया माल ब्रगेड, माल ब्रगेड, माल ब्रगेड, एक स्लिप लगा रहे हैं अंकल, बाल ब्रगेड चलते इससे फटाफट, भाई लेट हो रहे ना। ओ सब चलो 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 माल ब्रगेड, बेटी वाले रिश्ते पे किस्मत कितनी अच्छी की ना, मैंने चलते चलते गाड़ी मिल गई। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। गाइस, बैटरी वाले से उतरने के बाद हमको लग रही थी प्यास, तो हम लोग पीने आ गए बियर, बियर पीने, सस्ती वाली, सस्ती बियर पीने आ गए भाई। खराब है साली, खराब लग रही है। तो गाइस, बाहर जाओ ना तो मास्क लगा लिया करो, हमने ले लिया मास्क क्योंकि कोरोना वापस से आ रहा है ना इस वजह से, तो मास्क लगा लिया है और अब चलते हैं फटाफट से। तो गाइस, हम लोग बस में बैठे हैं बिल्कुल पीछे पीछे, लच के जाना लग रहा है हमको सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे हमारे देखो काम भी चल रहा है बगल में ही मेट्रो का, अभी चलते हैं वहीं पर फिर मिलेंगे। तो गाइस, बढ़िया यहाँ पर तो आ गए, बस से उतर गए और अब हम लोग आ चुके हैं हवा महल, आ चुके हैं अब हवा महल के जस्ट बगल में ही है जंतर मंतर, जंतर मंतर, तो आपको हवा महल दिखाते हैं, ये हमारा हवा महल। गाइस, हवा महल हमारे बगल में था जो जा चुका है, अरे ऐसे गाइस सिंगर बनेगा, सिंगर भाई, तुम्हारे भाई का सपना है सिंगर बनने का, तो प्लीज सपोर्ट करो यार, थोड़ा आवाज माना बेसुरी है। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो भाई, भाई क्या ही लग रहा है। चलो जंतर मंतर ढूंढते पहले, तो भाई साहब
तो गाइस देखो ये है बापू बाजार, ये दिख रहा है बापू बाजार। यहाँ पे आपको जयपुरी लुक में हर चीज मिलेगी, हर चीज देख सकते हो। इधर भी है, फिर भी हम कुछ नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमको यहाँ से खरीदने नहीं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे हमको लूटेंगे नहीं, इसे सोच लो बर्बाद कर देंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप लोग आते तो आप लोग परचेज कर सकते हो यहाँ से। जयपुरी लुक में हर चीज मिलेगा आपको यहाँ पे। हम लोग आप यहाँ पे अपन आए थे ना गोविंद देव जी के इधर ही है, तो ये हवा मिल वाला रास्ता है। यहाँ से आप गेट से अंदर आओगे फिर यहाँ पे आएगा गोविंद देव जी का, और गोविंद देव जी के इसी साइड जाना पड़ेगा अपन को ना, लेफ्ट हैंड पे। तो चलते हैं, इसका फोटो शूट कर देते हैं। रो रहा है लौंडा हमारा फोटो शूट के लिए। तो गाइस अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको कैश पेमेंट लेकर आना पड़ेगा। हमारे तो अंकल एक भले अंकल मिल गए जो 100 रुपये दे दिए हमको, और ऑनलाइन ले लिया अंकल ने आइसक्रीम भी ले ली। तो चलो अब कैश लेते हैं भाई। यार थोड़ा ये ऑनलाइन पेमेंट क्या करो यार, क्योंकि हर कोई कैश नहीं लेके डोलता ना, इस वजह से जैसे हम ही कैश लेके नहीं डोलते इस वजह से, तो ऑनलाइन पेमेंट का भी करो थोड़ा यार। तो वाइस किसने ने टिकट ले ली, कितने रुपये लगी? 50-50 रुपये। 50-50 दो लोगों की 100 रुपये। चलो वाइस चोकोबार खाते हैं और यहाँ से रास्ता, यहाँ से एंट्री लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो वाइस देखो इस तरीके से जंतर मंतर भाई, ऐसा लग रहा है गार्ड की ज़रूरत है हमको, गार्ड की। ए भाई अकेले नहीं चलना भाई, साथ में चलो, जो कोई गार्ड लेके जा रहा हो जैसे जा रहे इनके साथ चलना चाहिए यार, लेकिन ये परिवार लग रहा है यार। जहाँ पे गार्ड हो ना भाई वहाँ पे जाना है उनको, क्योंकि वही जानकारी दे सकते हैं हम। देखते हैं ये क्या है, ये भाई देखो यार त्रिभुज डी बन रखा है, यही क्या पहले ऊपर जाने का भी था। देखो आइस भाई साहब यंत्रों पर दिख रहा है इन पे जा, हाँ ये देख पर चढ़ना मना है, अरे इन पे चढ़ना मना है। ये सारे यंत्र हैं गाइस, ये पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी तरीके से करते थे। तो ये देखो भाई क्या ही लग रहा है भाई, कितना मस्त मस्त है यहाँ पे लाजवाब। वहाँ का देखो काफ़ी अच्छा है, घुमाते हैं आपको पूरा। गाइस क्या ही लग रहा है ना जंतर मंतर यार, गार्ड की ज़रूरत है ऐसा लग रहा है मेरे को जाने क्यों है कृष्णा, गार्ड की ज़रूरत है गाइस ऐसा लग रहा है। पता नहीं गार्ड कितने में होंगे, पता भी नहीं है। तो देखते हैं ऐसे उधर चले, जहाँ गार्ड रहे ना भाई उधर जाना है हमको, थोड़ी जानकारी मिलती रहेगी ना इस वजह से। यहाँ पे कठपुतली डांस भी होता है, ये देखो अभी है नहीं लेकिन अंकल काफ़ी ज़्यादा भाई। यही जगह जो जयपुर की जहाँ पे राजा महाराजा पहले, भाई देखो किस तरीके से डिजाइन करा है, आप ये देखिए यहाँ इसे जो भी था वो पूरा इधर ही से करते थे। हाँ भाई यहाँ पे इतना बच चुका है समय का ज्ञान, और जो भी ये रहता है ना समय का ज्ञान, और क्या चलती है पूर्णिमा, और ये जो भी है पूर्णिमा ये सब यहीं से सारा ज्ञान मिलता था। अंग्रेजों के साथ रहेंगे साले, थोड़ा जो उनका गार्ड रहता है ना तो अपन को थोड़ा ज्ञान फैल देगा, समझा। ये देखो भाई पुराने ज़माने में भी प्रकृति कुछ इस तरीके से दिखती थी, यानी पहले ही सारा ज्ञान पुराने ज़माने में भी देखो भाई इस तरीके से बना दिया था भाई, गजब। गाइस ये देखो इसी से ही टाइम को देखा जाता था, ये देखो किस तरीके से, ये देखो 12 लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ये देखो गाइस घड़ी, ये घड़ी है जो पुराने ज़माने की घड़ी है, ये पूरी सॉरी वॉच, पुराने ज़माने की वॉच इस तरीके से, पुराने ज़माने की वॉच दिख रहे गाइस। और ये हैं डेज, ये दिनों का, तो फोटो लेते हैं यहाँ पे, फोटो लेना तो बनता है। 23rd of September जब नाइट एंड डे आर इक्वल हो जाते हैं, 12 आवर्स का नाइट होगा और 12 आवर्स का डे होगा, उस दिन ये दोनों घड़ी काम नहीं करेगी। ब्लॉगिंग करते कोई आप? हाँ लाजा कृष्णा, थोड़ी जानकारी अपन को भी मिलेगी ना। वॉइस देखते हैं भैया, भैया ब्लॉगिंग करते हैं भैया, आपके चैनल का नाम क्या है बता सकते हो क्या? टू वी ब्लॉग। तो भैया ये भी ब्लॉगर भैया है, तो इनका भी देखो ब्लॉग, ये भी ब्लॉगर है। इसका नाम वहाँ लिखा हुआ है यंत्र राज। ये जो यंत्र जो बना हुआ है ये रात को काम करेगा, रात को स्पेशल परमिशन लेकर इसे देखा भी जा सकता है। ये रात को आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं ना स्टार प्लैनेट्स, उनका नाम
डिग्री और पोजीशन बताई गई। नाम डिग्री पोजीशन कैसे बताएगा, ये देखिए इसमें नाम भी लिखे हुए हैं। अंदर आप देखना चाहते हैं, ये मेरा फिंगर का शैडो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरा फिंगर का शैडो हिल रहा है वहाँ पे देखो ये कुछ नाम लिखे हुए हैं और हिंदी में लिखे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं अश्वनी, बृहणी, रोहिणी, कृतिका, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। अब ये कैसे काम करेगा, इस पर ये सर्कल बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ये कंप्लीट सर्कल हो गया 360 डिग्री। बीच में आप जो लाइन देख रहे हैं बारीक बारीक लाइन है, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइने हैं। ऊपर जो पॉइंट आपको नजर आएगा वो नॉर्थ पोल है, नीचे आप देखोगे तो साउथ पोल होगा, और बीच में जो होल आप देख रहे हैं वो इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। अब रात को क्या करेंगे, इस होल पे टेलीस्कोप लगाया जाएगा, होल पे ऐसा टेलीस्कोप लगाया जाएगा, लंबा टेलीस्कोप होगा, और उस टेलीस्कोप को धीरे धीरे ऐसे घुमाया जाएगा, और इस टेलीस्कोप के थ्रू आपको स्काई में देखना पड़ेगा, आकाश में, और टेलीस्कोप से जो भी स्टार आपको दिखेगा आगे उसका नाम आ जाएगा कि आप किस स्टार को फॉलो कर रहे हैं। तो रात को ये सभी ग्रहों की पोजीशन आपको बता सकता है और जो हॉरोस्कोप बनाने में काम मदद करता है। ये इसका रफ मॉडल है, पहले राजा ने हर चीज़ का एक रफ बनाया और रफ बनाकर उसको फिर फाइनल प्रोजेक्ट दिया। गाइस ये दिन में घड़ी काम करती है, वो पिछोले रात में करती है। अंकल गार्ड मिल गए आज कृष्णा, अभी फ्री में जानकारी मिल रही है भाई साहब, कुछ ही नहीं रहा गाइस, अभी फ्री में जानकारी मिल रही है तो अभी जानकारी ले लेनी चाहिए, बाद में हमको तो ज्ञान है नहीं। अब अंकल ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया हमारे सामने, अच्छा सीखने को मिला ना, तो सीख ले भाई, सीख ले कुछ जानकारी, इसलिए इसको साइंस पार्क बोलते हैं गाइस। हम तो ये अंकल को ही फॉलो करेंगे भैया को। ये देखो भाई बनाया कैसे कैसे, भाई साहब क्या ही है ये, क्या है भाई, कैसे बनाया है भाई इनको। ये देखो ये जो यंत्र जो आप बना हुआ देख रहे हैं, इस यंत्र का नाम है जय प्रकाश यंत्र। राजा जय सिंह, प्रकाश मीन्स सनलाइट, यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आप जो मिसिंग मार्बल देख रहे हैं खाली जगह, तो यहाँ का जो आधा वाइट मार्बल है वो पार्ट बी में है, और पार्ट बी का जो मिसिंग मार्बल है वो पार्ट ए में है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ग्लोब बन जाएगा ऐसा। इस ग्लोब को टू में डिवाइड कर दिया, हाफ इधर हाफ उधर। अभी हमें क्या बताएगा, ये राशि बताएगा कि अभी सूर्य किस राशि में प्रवेश कर चुका है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जोडियक साइन, सन साइन। तो राशि 12 होती है, 12 महीने, एक महीने का एक राशि, 12 महीने का 12 राशि। तो ये राशियाँ कैसे बता पाएगा हमें, इसके लिए ये सेंटर में देखो ये मेटल का प्लेट लगा हुआ है, चार तार बंधे हुए हैं और बीच में एक मेटल की प्लेट है जिसकी शैडो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और वो शैडो आपको वाइट मार्बल पर नज़र आ रही है हिलती हुई, और जहाँ प्लेट की शैडो दिख रही है आपको वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मेष राशि, मेष मतलब हो गया इंग्लिश मेष राशि, वो रही जहाँ पे सड़ हिल रही थी वो मेष राशि में चल रहा है, और मेष राशि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिस, ये स्टार्ट होता है 21 मार्च, और 21 मार्च से लेकर चलेगा 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल तक जितने भी बच्चों का जन्म होगा उनका राशि क्या होगा, मेष राशि। ये मेरा हाथ का परछाई देखिए आप, ये जो लाइन देख रहे हैं आप ये वाली, ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। तो इक्वेटर जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे 6 राशि ऊपर दिखाई गई है और 6 राशि नीचे, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। और ये यंत्र काम करेगा 1 घंटा, 1 घंटे बाद ये यंत्र अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लेट की शैडो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शैडो वाइट मार्बल पे नहीं रहेगी, ये शैडो मिसिंग मार्बल में आ जाएगी खाली जगह में। जब ये खाली जगह में आ जाएगी तो पार्ट बी काम करेगा, और जब पार्ट बी बंद हो जाएगा तो पार्ट ए काम करेगा। तो 1 घंटा ये यंत्र काम करेगा, 1 घंटा वो यंत्र काम करेगा।
तो ये दोनों यंत्र आपस में एक एक घंटा काम करते हैं, बट राशि दोनों में सेम रहेगी, तो ये हमें राशियां बताता है। सेकंड यंत्र ये गाइस, ये दिख रहा है, ये सेकंड यंत्र है और ये फर्स्ट यंत्र है। गाइस हमको तो अंकल ने भगा दिया, अंकल बोले भाई तुम पैसे लगेंगे तुम्हारे भी, यानी उनसे बोल रहे 800 रुपये, जबकि मेरे को भैया ने बोला था 200-300 रुपये लेता है गाइड, वो गाइड कर देंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं। काफ़ी सही, मैं आपको दिखा देता हूँ, अंकल ने गाइड करने के लिए सुनना करते, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ जानकारी, फिर आप भी आ सकते हो। कि वैसे अपना अपना ब्लॉग किस चीज़ का है, जगह के बारे में बताना, ना कि जगह के बारे में नॉलेज देना। नॉलेज तो आप लोग यार आओगे, इतना बढ़िया पैलेस है जयपुर पैलेस भाई, यहाँ पर आओ यार, इसीलिए जगह दिखा रहे हैं आपको बढ़िया बढ़िया, आकर घूमो, है ना, आके घूमो सभी लोग, जब तो यार जानोगे यार जयपुर क्या है भाई। जयपुर को कभी हल्के में मत लेना, जिस तरीके से कश्मीर जन्नत है ना, उसी तरीके से जयपुर भी है ना भाई, जन्नत है जयपुर। हाँ, जैसे सर्दियों में वो जन्नत है, गर्मियों में ये जन्नत है, मजा आएगा आपको। मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ, ठीक है, ये राशियों का है, लेकिन अंकल दो, हाँ यार ये राशियों का, यहाँ पे देखो राशियों का, ये देखो मकर राशि, राशि का लेकिन पता नहीं चल रहा है मेरे को, अब कम समझ में भी आ रहा है, ये मकर राशि का लोगो भी दिखा रखा है इन्होंने, और ये देखो मीन राशि, सारे भाई राशियों का बना रखे हैं। अब ये कैसे काम करते हैं ये तो बिल्कुल पता ही नहीं है, अब वो तो अंकल ही बताते, कोई बात नहीं गाइस, हम चेंज कर लेंगे, दूसरे अंकल को देखते हैं, दूसरे अंकल गाइड। गाइस पैसा बचाना सीखना है, ठीक है ना, कि पैसा उड़ाना, पैसा आप लोगों को भी नहीं उड़ाना है, यानी बजट में ही रहना है, बजट से बाहर नहीं जाना है, फ्री में देखते हैं, और कोई अंकल गाइड दिखते हैं तो फिर देखते हैं। यंत्रों पर चढ़ना मना है, ये भी गाइस यंत्र ही है, ये देखो किस चीज़ का यंत्र ही है भाई, घड़ी है, घड़ी है, ये घड़ी है, यहाँ पे टाइम भी लिख रहा है ना, वाइस घड़ी है ये पूरा, ये देखो किस तरीके से बनाया हुआ है घड़ी भाई साहब। गाइस इतनी अच्छी इंग्लिश तो हमारे इंडिया के बच्चे बोलते भी नहीं जितना, कहाँ से हो आप? US अमेरिका में, अमेरिका से आए गाइस ये, अच्छा आपको तो हिंदी आती है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, हिंदी समझते है, अच्छा आपके वाइफ समझते हैं हिंदी, तो गाइस ये भैया हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से इनकी लड़की ने इंग्लिश बोली ना भाई, हमारे मेरे को भी नहीं आती और इंडियन बच्चे को कमी आती है, क्यूट गर्ल। ये देखो 4 भागों में बांटा गया, एक घंटा यहाँ से यहाँ तक, एक घंटा प्रत्येक 20 सिग्नल अपन टाइम देख सकते हैं, स्टेटमेंट शेडो बोला वहाँ पर, इस शेडो 12 बजे नहीं होगा वहाँ पे, है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 लिखा हुआ है, 4 15 16 17 18 19 होने वाला है, 419, लेकिन ये अपना लोकल टाइम है, अपना जो इंडियन टाइम वाला अलाहाबाद से, नैनी से, प्रयागराज से, तो इंडियन स्टेट टाइम और लोकल टाइम में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, कम से कम 10 मैक्सिमम 41, आजकल 26 ही लिख रखा बोर्ड पर, तो 26 इसमें ऐड करेंगे, है ना, तो 20 और 25 45 का ये होगा 445, देखो 445 अपना इंडियन टाइम के अलावा से ये सारे है ना भाई यंत्र हैं, और ये है ना सारे राशियों के यंत्र हैं भाई, यानी सिंह राशि, सारे राशियों के यंत्र हैं भाई, कैसे देखते हैं राशि यार, गजब ही है यार। और भाई एक चीज़ और बताऊं, ये देखो इनके छोटे मॉडल, जंतर मंतर का छोटा मॉडल भी एक यहाँ पे बना के रख रखा है, ये देखो पूरे जंतर मंतर का, नहीं यार ये जंतर मंतर घड़ी का है,
घड़ी का छोटा मॉडल भाई, घड़ी का छोटा मॉडल ही है, घड़ी का छोटा मॉडल। और ये राशियाँ हैं, ये देखो भाई यार कैसे बनाते हैं। और भाई ऐसी बात नहीं, काम भी करती हैं सारी की सारी। और वो वहाँ पे है हवा महल गाइस, जहाँ पे गार्ड हूँ वहीं पे पूछना है, क्यों कृष्णा फ्री में भाई जानकारी चाहिए हमको, कतई जहर हो रहे हो। अरे देंगे भाई, जहाँ पे जानकारी मिले वहीं पे पहुँच जाएंगे हम। तो गाइस ये हैं राशि वाले यंत्र, यहाँ पे है ना यार राशि वाले यंत्र है ना, तो यहाँ पे हम लोग खुद की राशि वाले यंत्र के साथ एक एक फोटो पिक कर रहे हैं। एक फोटो मैंने पिक कर ली और एक भाई कृष्णा की, कृष्णा की मिथुन है, मिथुन मिथुन चक्रवर्ती नहीं मिथुन राशि है कृष्णा, मिथुन राशि है भाई, ये रहा कृष्णा का मिथुन राशि। वाह मिथुन पे हमने देखा राशि वाला यंत्र, देखा जो पुराने जमाने में देखते थे, और घड़ी देखी जो पुराने जमाने में देखते थे, और दिन देखा यानी दिन जैसे देखते थे आज कौन सा दिन है वो देखा। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया भाई, इसीलिए मेरे को समझ में आया पूरा, जहाँ पे गाइड दिखते हैं नितिन वहीं पे पहुँच जाता है फ्री से वाले ने, फ्री से वाले ने यार मुझे भाई। अब ये क्या है भाई, ये क्या है ये बताओ कमेंट वगैरह के, बताओ ये क्या है, जो बताएगा ना 3 महीने का रिचार्ज फ्री मेरी तरफ से, खुद ही नहीं पता। अब लेंगे ना जानकारी, इसलिए अब लेंगे जानकारी भाई। ये देखो भाई ये घड़ी है ना अंकल, घड़ी है। अच्छा और वो उधर सब वो भी घड़ी ये बड़ी है, बड़ी है। अब ये घड़ी है जंतर मंतर, यहाँ से ऐसे टाइम देखा जाता था भाई, सम्राट यंत्र बोलते हैं, वृद्ध यंत्र बोलते हैं, और दूसरा गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। हाँ गिनीज बुक में, हाँ गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है भाई। ये देखो आप इसके ऊपर कितने फ्लैग लगाते थे, एयर का करंट देखते थे, एयर के प्रेशर से पता लगता था कि मानसून कैसा रहेगा, गर्म रहेगा बारिश होगा है ना, तूफान आने वाला है, तो वो पूरा मौसम का भी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। वाओ नॉट ओनली सनडायल है ना, बड़ा रेला है ना वीडियो तो अच्छी बनेगी गाइस, ये पूरा राशि देखने का भाई, यहीं से राशि देखी जाती थी। और ये पूरी घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है गाइस, देख लो। और यहाँ पे राशि दिखती थी भाई, जहाँ पे भी फ्री सेवा मिल रही है तुम्हारा भाई वहीं पहुँच जा रहा है जानकारी लेने। आजा के वैज्ञानिक ज़्यादा खुश ना हो, यहाँ पे देखिए पुराने ज़माने में हमारे जयपुर में पहले ही बन चुका है, ये देखो पूरा पूरा लिख रखा है भाई साहब राशि वासी सब, देखो धूप की छाए से इनसे देखा जाता था भाई। अब गाड़ी नहीं है तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे सकते ना, गाड़ी पर जहाँ तक मिला और वीडियो में देख लिया होगा आपने। ये भी कोई से यंत्र है पता नहीं है, कोई नाम भी नहीं लिख रहा, ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे भी देखो लाइनिंग वाइनिंग काफ़ी ज़्यादा बनी है, ठीक है वो आपको भी पता लगा। ये देखो लोहे का पहले बनाया था भाई, उसके बाद बनाया है घड़ी, देखा काफ़ी, ये पता नहीं क्या है, अब गार्ड है नहीं आई जो जानकारी मिलेगी। भगवान के नाम पे बनाया है रामा यंत्र, रामा यंत्र ये ए पार्ट एंड बी पार्ट, बी पार्ट जो है इवनिंग में वर्क नहीं करता क्योंकि वहाँ पेड़ है, और पृथ्वी जो है सूरज के एक चक्कर में काटते हैं 24 आवर, कितना 24, कब शुरू होता है दोपहर को 12 बजे, हाँ जा 12 बजे शुरू होता है और कंप्लीट होता है दूसरे दिन 12 बजे, 0 डिग्री से शुरू करते हैं और 360 डिग्री पर कंप्लीट होता है, तो इससे इंडिकेशन होता है कि इस समय पृथ्वी जो है सूर्य के कौन से डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, 40 डिग्री पे है, 50 डिग्री वो पता करें, उसके लिए क्या किया इन्होंने अंदर में एक पोल लगाया है, ये पोल को इंडिकेशन किया है सन है ना, और ऊपर में पूरा मार्किंग किया है 0 से 360 पे, इस पोल का जब साइड ऑफ पिलर पे आता है तो उस पिलर से ऊपर पे आप जाएंगे तो डिग्री लिखा हुआ है, तो पता लग जाएगा कि पृथ्वी अभी सूरज से इतने डिग्री पे है। हाँ ये देखिए पहले, सबसे पहले ये देखिए आपने बताया था सन के बारे में, इस पोल को ऊपर देखिए आप, वहाँ 0 से मिलेगा आपको सिंबल है ना, फिर 10 से मिलेगा, 20 मिलेगा, ऐसे 30 ऐसे पूरा घूमता हुआ जाएगा, देखिए आप है ना, ऐसे घूमते हुए कहाँ तक आएगा, 360 वहाँ देखिए लास्ट 360 पे आएगा है ना, 360 के ऊपर आएगा, और ये जो इंडिकेशन किया है इस पोल को देखिए आप है ना, इसको ये वाला जो है इसका अभी शेडो शेडो आएगा, देखिए शेडो आ रहा है इसका, ये वहाँ पे है, ये क्या है, ये एक्चुअली आना चाहिए था इधर, इन्हें मिसिंग पार्ट पे आ रहा है ना, अच्छा। इससे आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1010 पे आएगा, क्योंकि इसका मैंने बी पार्ट बताया, जो यहाँ का मिसिंग है वो बी पार्ट में होगा वहाँ,
सेम पोजीशन वहाँ बनाए, यहाँ का मिसिंग पार्ट वहाँ मिलेगा, वहाँ जाके आप देखेंगे तो 110 पे आएगा। इससे क्या देखा जाता है ये कि इससे जो है सूरज के कितने डिग्री पे है। अच्छा, सूरज तो एक जगह रहता है, पृथ्वी घूमता रहता है। वो देखा जाता है। गाइस क्या ही है यार भाई, कैसा बनाया है यार, गजब। गाइस ये लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, सारे के छू के सारी जानकारी लेना चाह रहे हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस ये देखा नहीं था अपन ने, ये पर ये भी पता नहीं कुछ ऐसे ही पृथ्वी का। इससे उन्हें मालूम चलता सीजन्स, डेट्स, मंथ्स इत्यादि। डेट और मंथ्स बताने का ही है। ये देखो भाई, ये बीच में ये लगा रखा ना। राशियों का है गाइस, ये राशियों का, सॉरी राशियों का, यानी ये यहाँ से हिलाते हैं तो इसका शेडो बनता है उस जगह, फिर वहाँ से होता है, सॉरी शेडो ये यहाँ पे बन रखा है, ये देख रहे हैं आप, मेरे दिखा दूँगा आपको, ये जो बन रहा शेडो इसका, ये रहा दिख रहा है आपको, ये रहा शेडो गाइस, इससे पता चलता है राशियों का। जैसे गाइस अब तो लोग आगे जलने लगे ऐसा लगता है भाई, हमारे जाते करते जानकारी देना बंद कर देते, निकल लेते हैं वहाँ से, वो देखते फ्री में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत आराम ही है, फ्री में ही लेंगे पूरी जानकारी, पैसा एक नहीं देंगे, और लेते हैं गाइस। ये भी एक है यंत्र, इस यंत्र को भी देखते यार धूप से क्या क्या निकाल लेते थे यार ये लोग, और एक धूप से है सूरज से। भाई 1901 में बनाया था यार ये, कैसे बनाया भाई ये, कुछ जंतर मंतर आप लोगों ने देख लिया भाई, घर बैठे बैठे आप लोगों को पूरी जगह दिखाना हमारा काम है। अब आपका भी काम बनता है हमें फॉलो करने का, हमें सब्सक्राइब करने का, और हमारे को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। अब ये आपका काम है तो आप लोगों को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। तो गाइस यहाँ पे एक और हमको ब्लॉगर भाई मिल चुके हैं, ब्लॉगिंग करते हो क्या करते हो? क्या नाम है आपके चैनल का? जितेंद्र ब्लॉगमास्टर, आपके चैनल का क्या नाम? राज इंडिया ब्लॉग। यस ब्रो, चलो गाइस मिले भैया हमको ब्लॉगर, तो दूसरे ब्लॉगर मिले हैं हमको, फर्स्ट ब्लॉगर में थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा था। गाइस इन भैया का है ना मेन चैनल है योद्धा खान सर का है ना, और ये ब्लॉगिंग का तो ये छोटा ही है, लेकिन भाई उसमें पता है 7 लाख सब्सक्राइबर है। जो दूसरा भाई मिला था ना हमको अपने चैनल से, उस पर कुछ नहीं अभी, अरे सही ना यार, अपने से ही करना जा रहा हूं। तो गाइस उसमें गाइस इन्होंने फेस नहीं दिखाया, फेस इसी में दिखाया, योद्धा चैनल वालों का फेस दे सकते हो भाई, अपना भी दिखा दो यार। तो गाइस योद्धा चैनल वालों का फेस ये है देख लो। अरे यार, अरे शॉर्ट वीडियो बनाते हैं शॉर्ट, और अभी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया, एजुकेशन पर्पस खान सर को फॉलो करते हैं भाई लोग। चलो गाइस बढ़िया यार, अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, हम तो बहुत छोटे आदमी आपके। अरे भाई छोटा बड़ा रोटी खाते हैं सोने का कौन खा रहा है। भाई भाई से मिले, भाई के 7 लाख थे, चलो आप अपना यार थोड़ा वो सपोर्ट करके, कम से कम 7 लाख नहीं तो 70,000 तो करा दो यार, भाई कराओ यार फटाफट से। बढ़िया आपको जंतर मंतर घुमाया पूरा भाई, जंतर मंतर के एक भी चीज नहीं छोड़ी जो आपको नहीं घुमाई, सारी घुमाई है भाई, सारा जंतर मंतर घुमाया, और कोशिश करिए फरी फोगट की थोड़ी सी जानकारी लेके गाइड से, वो भी आप तक पहुँचताई है, और भाई के देखे यार भाई से उदाहरण ना 7,20,22,000 ऐसा लगता है यार हमारे कब हो गए, आप लोग यार प्यार नहीं करते हो यार, ऐसा लगता है भाई धूप में दिख रहा है कैसे, धूप में तुम्हारा भाई पतला दुबला शरीर लेके डोल रहा है, पैसे ही नहीं है, फ्री के एजुकेशन ले रहा है भाई, फिर हमें हवा चल गई ना हम उड़ जाएंगे हवा के साथ साथ भाई, फ्री में लोगों से वो करके थोड़ा सा आप तक जानकारी पहुँचा रहे हैं, तो इतना शो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सभी लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली में ज्वाइन होना है, और धीरे धीरे जयपुर से स्टार्टिंग करा, धीरे धीरे इंडिया पूरा आपको घुमा देंगे। चलो अभी चलते हैं घर पे, और अब इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।